हेलो क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। कल के लेक्चर में हमने सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ा था हड़प्पन कल्चर के, कि वहाँ के जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपनी बेसिक नीड्स को कैसे फुलफ़िल कर रहे थे। हमने उनके फूड के बारे में पढ़ा कि वो क्या क्या फूड खाया करते थे और उनका क्या बिज़नेस हुआ करता था। हमने पढ़ा था कि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते थे प्लस ट्रेडिंग किया करते थे, और उनकी जो ट्रेडिंग थी वो सिविलाइजेशन के बियॉन्ड थी, यानी वो अपनी सिविलाइजेशन के साथ साथ दूसरी सिविलाइजेशंस में भी ट्रेड किया करते थे। आज हम बात करेंगे उनके एग्रीकल्चर टेक्निक्स की, जिसको हमने थोड़ा कल डिस्कस भी किया था। मैंने आपको बताया था कि उनके जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स थे वो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स थे, यानी जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो वुड के बने हुए थे या फिर स्टोन के बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे। लेकिन आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में या मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसमें जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे हार्वेस्टर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, वो सारे के सारे आयरन के बने होते हैं। तो पहले के टाइम यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे थे दैट इज़ ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो जो अपनी एग्रीकल्चर प्रोसेस करते थे वो किस वे में करते थे। सपोज़ ये एक पीस ऑफ लैंड है, तो वो अपनी क्रॉपिंग जो है वो टू क्रॉप्स को टुगेदर क्या करते थे, ग्रोप किया करते थे। लेकिन उनकी जो फॉर्मेशन हुआ करती थी वो एल शेप में हुआ करती थी, लाइक दिस। मतलब वो पैरेलली या सिमेंटेनियसली टू क्रॉप्स को इकट्ठे क्या किया करते थे, टेक केयर किया करते थे, दिस वन इस एरिया में एक क्रॉप, और ये जो ब्लैंक सरफेस है लाइक ये यहाँ पर दूसरी क्रॉप, वो इस स्ट्रक्चर में क्या किया करते थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ किया करते थे। तो मैंने आपको क्या बताया कि उनकी जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स थे वो वुड या स्टोन के हुआ करते थे, और उनकी जो एग्रीकल्चर टेक्निक थी वो इस तरह की टेक्निक थी, वो टू क्रॉप्स को इकट्ठे ही क्या किया करते थे, ग्रोप किया करते थे। और क्या पता चलता है हिस्टोरियंस या हम कह सकते हैं रिसर्चर्स, इनको कुछ सील्स मिली थी। सील्स मीन्स मोहरे मिली थी, जिनके ऊपर क्या बना हुआ था, बुल्स बने हुए थे, यानी बैल की फ़ोटो बनी हुई थी। उससे रिसर्चर या हिस्टोरियन ने ये प्रिडिक्ट किया या ये अंदाज़ा लगाया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का टाइम हुआ करता था तो वहाँ के लोग कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय बुल किया करते थे, यानी वो अपने खेतों में हल चलाया करते थे बैलों की मदद से। तो ये रिसर्चर से पता चला और उन्हें क्या मिली थी, सील मिली थी जिस पे ये बुल बने हुए थे। और रिसर्चर्स को क्या पता चला, चौलिस्तान और बानावली जो हरियाणा का पार्ट है, वहाँ पर रिसर्चर्स को क्या मिले, क्ले मॉडल्स मिले, किसके, प्ल के, जिससे ये पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में इस तरह के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता था। और रिसर्चर को ये पता चला कि हार्वेस्टिंग के टाइम जितने भी इक्विपमेंट्स यानी हार्वेस्टर यूज़ किए जाते थे वो या तो वुड के बने हुए होते थे या स्टोन के बने हुए थे। आपको पता ही होगा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, हार्वेस्टिंग ऑफ लैंड, इरिगेशन ऑफ लैंड एंड कटिंग ऑफ क्रॉप।
तो अब इरिगेशन की बात करेंगे कि इरिगेशन प्रोसेस वहाँ की क्या हुआ करती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। जो मोड ऑफ इरिगेशन हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, जैसे रिवर्स, लेक्स, कैनल्स, वेल्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, इनके पानी को यूज़ करके क्या किया जाता था, वहाँ की लैंड को इरिगेट किया जाता था। अफ़गानिस्तान में एक जगह है जिसको शोतुघाई नाम से जाना जाता है। वहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम जब इरिगेशन की जाती थी तो वो कैनल से की जाती थी। किससे की जाती थी? कैनल से की जाती थी। पंजाब एरिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम इरिगेशन प्रोसेस जो थी वो वेल से की जाती थी। कुछ ना कुछ ट्रेसेस ऐसे मिले थे जिनसे ये पता चला कि जो इरिगेशन प्रोसेस है वो कौन से एरिया में किस तरीके से की जा रही थी। तो पंजाब में वेल्स के कुछ ट्रेसेस मिले थे। ऐसे ही गुजरात का एक एरिया है जिसका नाम है ढोलावीरा, जहाँ पर स्टोर वाटर को यूज़ करके इरिगेशन प्रोसेस को किया जाता था। मैंने आपको ये बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम एग्रीकल्चर टेक्निक्स कैसी हुआ करती थी। जो इक्विपमेंट्स हुआ करते थे वो वुड और स्टोन के हुआ करते थे। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ उनकी इस शेप में हुआ करती थी, यानी वो टू क्रॉप्स को इकट्ठे ही क्या करते थे, ग्रो अप करते थे। फिर हिस्टोरियंस को कुछ सील्स वगैरह मिली जिनसे पता चला कि एग्रीकल्चर में कल्टिवेशन का जो काम होता था वो बुल की हेल्प से होता था। बानावली और चोलिस्तान में कुछ क्ले के मॉडल्स मिले थे जो प्लह के थे, जिससे ये पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसे शेप की प्लह हुआ करती थी। साथ ही राजस्थान का एक एरिया है जिसको कालीमंगन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी प्लह के कुछ ट्रेसेस मिले थे। हार्वेस्टिंग के लिए रिवर्स, कैनल्स, वेल्स और लेक्स का यूज़, हार्वेस्टर जो थे वो वुड और स्टोन के बने हुए होते थे, और इरिगेशन में रिवर, लेक्स, कैनल्स और वेल्स को यूज़ किया जाता था। बहुत से ट्रेसेस मिले थे कैनल्स के, कहाँ पर? अफ़गानिस्तान के शोतुघाई नाम की जगह में। और पंजाब में वेल्स के ट्रेसेस मिले थे, गुजरात ढोलावीरा में स्टोर वाटर को यूज़ करके इरिगेशन प्रोसेस को किया जाता था। अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की फूड एंड अर्निंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो फूड एक्टिविटीज़, यानी फूड खाने से पहले उसको उगाया गया लेकिन उसको पकाया भी गया होगा, तो उसकी कुकिंग प्रोसेस क्या हुआ करती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम। तो हिस्टोरियंस को या रिसर्चर्स को ये पता चला कि जितने भी वेसल्स थे या जितने भी हम कहें कंटेनर्स थे, ग्राइंडर मिक्सर था, वो सब कुछ क्ले और स्टोन या वुड के बने हुए होते थे। तो उनके जो वेसल्स हुआ करते थे वो क्ले के बने हुए होते थे, लेकिन वो कौन सी क्ले होती थी? वो फायर्ड क्ले होती थी, मतलब एक ऐसी मिट्टी जिसको जलाकर पका दिया गया हो, जिसको हम कहते हैं टेराकोटा, टेराकोट या टेराकोटा ऐसे बोला जाता है इसे। इसके वेसल्स बनाए जाते थे, और मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए जो प्रोडक्ट वो यूज़ करते थे वो स्टोन का बना हुआ होता था। किसका बना हुआ होता था? स्टोन का बना हुआ होता था, और उसको कहते थे सैडल कॉर्न। ये टू टाइप्स के हुआ करते थे, एक जिसमें ग्रेन पीसी जाती थी जिसको हम चक्की कहते हैं हिंदी में, और एक जिसमें मसाले वगैरह पीसे जाते थे, या कोई हम कहें कि कोई सब्जी वगैरह या जैसे ग्रीन वेजिटेबल हो गई उसको पीसा जाता था।
तो टू टाइप्स की हुआ करती थी। जो चक्की होती थी उसमें क्या होता था, एक नीचे स्टोन होता था हैवी, और एक ऊपर गोल सर्कल शेप में क्या होता था, स्टोन होता था। और यहाँ पर ऐसे एक वुड की स्टिक लगी होती थी जिसको वो रिवॉल्विंग करने में हेल्प करती थी, आपने देखी भी होगी। और दूसरा जो होता था जिसको हम पाउंडर भी कह सकते हैं दोनों को, इसमें क्या होता था, एक ऐसे रेक्टेंगुलर शेप या ऐसी शेप का एक बेस हुआ करता था, और ऊपर एक ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के एक हैवी स्टोन हुआ करता था जो पीसने में क्या करता था, हेल्प किया करता था, जिसको हम पंजाबी में सिलबट्टा नाम से जानते हैं। तो ये कुकिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता था, किस लिए, मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए, कब, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में। तो ये सारी की सारी इन चीज़ों की पिक्चर्स जो हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं, आप एक बार ही देख लेना। तो आज हमने क्या सीखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम एग्रीकल्चर टेक्निक्स क्या थी और कुकिंग टेक्निक्स क्या थी। कल हम मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।